हमारा एक पॉइंट रह गया था कल्चर का, कल्चर वेब के हवाले से, वो कौन सा पॉइंट था? वो था कंट्रोल सिस्टम के बारे में। सही, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? देखिए कुछ प्रैक्टिसेस होती है, सही है, कुछ प्रैक्टिसेस होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हम एनकरेज करते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस को हम डिस्करेज करते हैं, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कोरोना आया हुआ है, जब कोरोना आया हुआ है तो एम्प्लॉय से कहा जा रहा है जैसे ही तुम अंदर आओ तो हाथ धो लिया करो, तुम दोगे तो हम तुम्हें शाबाशी दे देंगे, खुश हो जाएंगे, तुम नहीं दोगे तो हमारे लिए भी ख़तरा बना लोगे। तो तुम्हारे दोने को लोग इंकरेज कर रहे हैं, तुम्हारे ना दोने को लोग डिस्करेज कर रहे हैं। एयरपोर्ट जाते हो तो सिक्योरिटी वाला कहता है कि भाई ये सेंसर से गो थ्रू के होके आ जाओ, ये उसके बगैर अंदर आने की इजाज़त नहीं है। यानी जब तुम सेंसर से आओगे हम तुम्हें तभी आने देंगे, यानी वो आपको इंकरेज कर रहा है आना है तो आओ सेंसर के थ्रू, वरना बाड़ में जाओ, सही। तो कुछ प्रैक्टिसेस को लोग इंकरेज करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस को लोग डिस्करेज करते हैं, और यही कंट्रोल करने का तरीका होता है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। डन ऑल। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम विद इन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश रिव्यूज अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल विल फोकस ऑन परफॉर्मेंस डेट एंड रिवॉर्ड। एम्प्लॉय तो उसी को देखेगा ना जिससे उसको बोनस मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, सही। आप कहते हैं कि आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, वही आप ऑनर हैं दुकान के, और आपके नीचे तीन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आपने कहा अगर मैं उस एम्प्लॉय के सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा जो लोगों को चूना लगा के सामान बेचेगा, घटिया ख़राब सामान बेचेगा, सही, यानी बेवकूफ़ बना के सामान बेचेगा, तो वो अब सारे लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ये बेवकूफ़ बनाने वाली, इसको इंकरेज किया जा रहा है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पे कहा गया कि मैं उस एम्प्लॉय को ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा जो कि कस्टमर और सेटिस्फे जो कि कस्टमर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंश्योर कराएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस को इंकरेज किया जा रहा है। तो प्रैक्टिस को देखते हुए ही एक एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करता है, अपने आप के अंदर चेंजेस लाता है, और फिर उन चीज़ को एडॉप्ट करता है एक एम्प्लॉय, ताकि उसको रिवॉर्ड मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको अथॉरिटी मिले। एंड होप सो वी हैव डन कल्चर वेब, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।